लोग देखिए कि उसाना इंडिया में जो भी व्यक्ति एसोसिएट होना चाहता है या जो भी व्यक्ति रजिस्टर होना चाहता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए उसको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक मेल आईडी उसको लगेगा, जिसके कारण आप उसाना इंडिया में रजिस्टर कस्टमर बन सकते हो, एसोसिएट बन सकते हो। उसके बाद कंपनी ने बताया कि अगर आप यहाँ वर्क करना चाहते हो, यहाँ आप टीम को आगे बढ़ाना चाहते हो या एज ए आप यहाँ पर प्लान के माध्यम से इनकम आपको लेनी है, तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया आपको एक यूनिक आईडी पासवर्ड कंपनी से जनरेट होगा। उसके बाद यदि आप बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हो तो आपकी सेल्फ आईडी जो है वो आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी, और उसके लिए आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें 35 SPV का प्रोडक्ट आपको परचेस करना होगा, जिसके कारण आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और जितने भी इनकम होंगे वो लेने के लिए आप क्वालिफाई होंगे। अब 35 SPV से आपको जो आईडी एक्टिवेशन करना है वो इंडियन रुपीज़ में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितने हमारे प्रोडक्ट है, उसके बाद रेफर्ड प्राइस आपको दिख रही है जिसको हम डीपी रेट बोलेंगे, उसके बाद है ऑटो ऑर्डर प्राइस, और उसके बाद लिखा हुआ है SPV मतलब सेल्स पॉइंट वैल्यू, एक प्रोडक्ट को MRP कितनी है, रेफर्ड प्राइस जो है वो भी वहाँ पर आपको दिख रही है, और पर प्रोडक्ट को जो हमने SPV दिए हैं वो भी आपको सामने दिख रहे हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको 20 है, किसी को 15 है, उसके नीचे भी हैं 3-4, ऐसे आप SPV देख रहे हैं। तो कोई भी मात्र दो प्रोडक्ट जो भी 35 SPV का प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से जो रेफर्ड प्राइस है आपको MRP में जो डिस्काउंट दे के कंपनी प्राइस आपको देनी है, उस प्राइस के अंदर आपको 35 SPV से अपनी सेल्फ आईडी एक्टिव करनी है। अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 5 हज़ार के समथिंग आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी ने क्या किया है कि जो टाइप ऑफ इनकम दिए है उसकी हम बात करेंगे कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपनी सेल्फ आईडी 35 SPV से एक्टिव कर ली है, उसके बाद आपको कंपनी के टाइप ऑफ इनकम कितने प्रकार के इनकम हमें उसाना इंडिया में मिलने वाली हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो दिया है कंपनी ने हमें रिटेल प्रॉफिट दिया है। रिटेल प्रॉफिट का मतलब यह है कि जो MRP है और जो DP है, जिसको DP को आप रेफरल प्राइस भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस, तो यहाँ पर आपको रिटेल प्रॉफिट 10% मिल जाएगा। जैसे ही आपका सेल्फ आईडी एक्टिव होगा आपको प्रोडक्ट के ऊपर 10% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने दिया है आपको मैचिंग इनकम, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, वो इनकम आपको मिलेगा 20%। 20% जो इनकम आपको मिलेगा वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी लेफ्ट और राइट में वो आपको मिलेगा, और वो इनकम आपको यहाँ वीकली मिलने वाला है। थर्ड इनकम है हमारा लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस लेने के लिए कंपनी आपको जो कंपनी का टर्नओवर होगा वीकली, उसमें से 2% बिजनेस वॉल्यूम निकाल के कंपनी जो अमाउंट बनेगा वो आपको लीडरशिप बोनस के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी ने चौथा इनकम हमको दिया है इलाइड बोनस। इलाइड बोनस भी कंपनी जो दे रही है आपको ये 1% देगी, बट ये जो इलाइड बोनस है ये आपको वीकली नहीं, ये क्वार्टरली मिलेगा। एक साल में 4 बार इस इनकम को आप ले सकते हैं। हर 3 महीने के बाद कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसमें से 1% बिजनेस वॉल्यूम निकाल के जो अमाउंट बनेगी वो आपको इलाइड बोनस के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। उसके बाद कंपनी हमें जो इनकम दे रही है ट्रिप्स एंड इंसेंटिव। ट्रिप्स एंड इंसेंटिव आपको जैसे कंपनी टाइम टू टाइम कैश रिवार्ड के माध्यम से बोनांजा आपको देगी, टूर एंड ट्रैवलिंग का आपको रिकॉग्निशन करवाएगी, जैसे भी आप कंपनी के माध्यम से हमें जो टारगेट मिलेगा अगर आप उसको अचीव करते हो तो आप टूर ट्रैवलिंग कंपनी की तरफ से जा सकते हो घूमने के लिए। उसके बाद अवार्ड एंड रिवार्ड, टाइम टू टाइम कंपनी के माध्यम से मैनेजमेंट की तरफ से जो भी अवार्ड रिवार्ड डिक्लेयर होंगे उसको भी आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। उसके बाद है हमारा जो छठवां हमें कंपनी दे रही है रैंक एंड रिकॉग्निशन। रैंक एंड रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो भी आप बिजनेस करते हो आपको इनकम तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के स्टेज पर जो भी मीटिंग सेमिनार होंगे वहां पर आपको कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी, आपको मान सम्मान के साथ वहां पर अवार्ड रिवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ मिलने वाली है उसाना इंडिया के बिजनेस प्लान के माध्यम से।
तो हम पहली बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो आपको बताया कि जैसे कंपनी का जो एमआरपी प्राइस है, एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट से आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट मतलब उसमें जो रेफर प्राइस है वो आपको उस रेट में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम हमको 20% चाहिए। वो किस तरह से जनरेट होगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ज्वाइन किए हैं, आपका लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आपका राइट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अपना सेल्फ आईडी 35 SPV से एक्टिव कर दिया है। अब 35 SPV से आपने सेल्फ आईडी एक्टिव करने के बाद जितने भी आपके लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, एसोसिएट होंगे, उनके माध्यम से अगर 3000 SPV का बिजनेस आपने दोनों साइड में मैच कर दिया, उस वीक में आपको 20% यहाँ पर कॉमन पॉइंट वैल्यू आपकी जनरेट होगी। कॉमन पॉइंट वैल्यू का मतलब आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी अनलिमिटेड डेप्थ में जो बिजनेस होगा उसको यहाँ काउंट होगा वो CPV के माध्यम से। और आप देख सकते हैं 3000 की मैचिंग के ऊपर 20% मैचिंग अगर हम आपको देते हैं तो आपका 600 पॉइंट का यहाँ पर आपका कॉमन वॉल्यूम पॉइंट जनरेट होगा। इसकी अगर अमाउंट में हम बात करेंगे तो आज अगर हम USD के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 80 रुपीज़ के हिसाब से 600 × 80 रुपीज़ 48,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर कमीशन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 20% के हिसाब से अनलिमिटेड डेप तक 3000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपको 600 पॉइंट का यहाँ पर बिजनेस हो जाएगा आपका। और आपको 48,000 आपकी पे आउट बन जाएंगी और आपको कंपनी की तरफ से एक रैंक यहाँ पर मिलने वाला है, वो है डायरेक्टर। आप यहाँ पर डायरेक्टर बन गए। जैसे ही आपके लेफ्ट और राइट में 3000 SPV का बिजनेस मैच हो गया तो यहाँ आप डायरेक्टर बन जाएंगे। 600 कॉमन पॉइंट वैल्यू की जो वैल्यू निकलेगी उससे हिसाब से आपको यहाँ पर आपका मैचिंग इनकम भी आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका लेफ्ट या राइट साइड में जो बिजनेस वॉल्यूम बचेगा, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, ये आपका कैरी फॉरवर्ड है। इसमें कोई आपका लेस नहीं होगा बिजनेस वॉल्यूम, बोथ साइड कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 3000 SPV होने के बाद आप डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद आपको इनकम भी आ गया और आपका रैंक भी हो गया डायरेक्टर का। तो जैसे ही आप यहाँ डायरेक्टर बन जाते हो, यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से एक लीडरशिप बोनस जो 2% मिलने वाला है कंपनी के टर्नओवर में से, वो वीकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसका जो अमाउंट निकलेगा वो भी आपको इस मैचिंग इनकम के साथ ऐड करके आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार आपने 3000 SPV से इस बिजनेस सेंटर को, इस लेफ्ट और राइट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आपने मैच कर दिया, जिस वीक में ये हो जाएगा उस वीक में आप डायरेक्टर भी बन गए, आपको कमीशन भी जनरेट हो गई 20%, आपको लीडरशिप का एक बोनस पॉइंट भी जनरेट हो गया। जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जो बिजनेस सेंटर है ये आपका यहाँ पर मैक्स आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ 3000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आप यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते इनकम। यहाँ आपको 600 पॉइंट की यहाँ पर लास्ट कैपिंग कंपनी ने दी है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अगर यहाँ पर आपका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो जैसे ही 3000 का SPV यहाँ पर मैच हो गया, या तुरंत आपको कंपनी और एक आईडी देगी जो कि आप ही के नाम से जनरेट होगी। फिर उसे आप लेफ्ट या राइट ऑर्गेनाइजेशन में लगा के वापस वहाँ पर आप ये 3000 SPV का बिजनेस और आपके लीडरों के माध्यम से वहाँ जनरेट कर सकते। और वहाँ पर भी आप इसी तरह से वहां पर भी कॉमन वॉल्यूम पॉइंट जनरेट होंगे। तो आप अनलिमिटेड डेप्थ तक दोनों साइड में अलग अलग बिजनेस सेंटर के माध्यम से हर बिजनेस सेंटर से 600 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस अर्न कर सकते। और जितने ज्यादा बिजनेस सेंटर आपके डेप्थ में आप खोलते जाएंगे उतना ज्यादा इनकम आपका वीकली बढ़ता जाएगा। इनकम के साथ साथ जैसे एक बिजनेस सेंटर से आपको यहाँ पर एक लीडरशिप बोनस पॉइंट मिल रहा है 2%, ऐसे अगर अनलिमिटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने बिजनेस सेंटर ओपन कर दिए तो आपके और भी लीडरशिप बोनस के शेयर बढ़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा लीडरशिप के शेयर आपके बढ़ेंगे आपके डेप के अंदर, उतना ज़्यादा आपका वीकली पे आउट भी बढ़ेगा। इस तरह से ये सिस्टम यहाँ पर काम करने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इलाइड बोनस कंपनी 1% दे रही है क्वार्टरली। अब इस इनकम को अगर हमें लेना है, इलाइड बोनस को अगर आप लेना चाहते तो आपको ये जो इनकम मिलने वाला है, ये जो टॉप 20 अर्नर होंगे, कंपनी
कंपनी के अंदर जितने भी टॉप 20 अर्नर होंगे उनका जो क्वार्टरली कंपनी का टर्नओवर होगा उसमें से कंपनी 1% अमाउंट इन 20 टॉप अर्नर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इलाइट बोनस लेना है तो आज से ही आप अपने टीम को बताना शुरू कर दीजिए, इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए। जितनी ज़्यादा जल्दी टीम को आप ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे, उसके साथ साथ आप यहाँ पर इलाइट बोनस लेने के हकदार भी टॉप 20 अर्नर में आके ले सकते हो। उसके बाद है हमारा ट्री पैन इंसेंटिव। ये तो कंपनी समय समय पर आपको देगी, किस तरह से देती है, क्या टारगेट के ऊपर देती है, कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच होने के ऊपर हमें ये ट्री पैन इंसेंटिव मिलेगा। ये आने वाले जो कंपनी का अभी आगे जैसे शुरुआत हो जाएगी उसके बाद हमें पता चलेगा किस तरह से कंपनी बोनांजा देती है। रैंक और रिकॉग्निशन के बारे में तो मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे आपने 3,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर दिया, एसपीवी मैच कर दिया तो आप डायरेक्टर बन गए और एक बिजनेस सेंटर पे 600 कॉमन पॉइंट वैल्यू आपको मिल गई। इसके हिसाब से अनलिमिटेड डायरेक्टर आप दोनों साइड में और भी अपने बिजनेस सेंटर ओपन करके आप हर बिजनेस सेंटर से मैचिंग इनकम भी ले सकते हो, और डायरेक्टर का जो 2% लीडरशिप बोनस है ये भी आप लेते ले सकते हो अनलिमिटेड। तो जैसे ही आप यहाँ पर डायरेक्टर बन गए, अगर आप चाहते हो कि आपको और आगे बढ़ना है तो जैसे कंपनी ने यहाँ पर रैंक भी दिए हैं और वो रैंक लेने के लिए क्या है, कंडीशन बहुत ही इजी रखी है कंपनी ने। जैसे ही हम अपने आईडी को 35 SPV से मैच कर देंगे, आपके लेफ्ट और राइट में दो व्यक्ति आपने लाए हैं और वो भी अगर अपनी सेल्फ आईडी को 35 SPV से एक्टिव कर देंगे तो मिनिमम 35 SPV से ही आपका मैचिंग इनकम आना यहाँ शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपके डाउनलाइन में जैसे कि आप देख सकते हो कि आप अगर अपनी सेल्फ आईडी पर 50 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस अगर आप सेल्फ आईडी पर मैच अपना बिजनेस कर लेते हो कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का 1 वीक के अंदर, तो आपका रैंक होगा शेयरर। उसके बाद अगर आप 100 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस अपने सेल्फ आईडी पर कर लेते हो तो आपका जो रैंक होगा वो होगा बिलेवियर। अगर आप 200 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस अपने सेल्फ आईडी पर 1 वीक के अंदर करेंगे तो आपका रैंक होगा बिल्डर का। उसके बाद अगर 400 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का अगर आप बिजनेस कर लेते हो 1 वीक के अंदर अपने सेल्फ आईडी पर तो आपका रैंक होगा अचीवर। और 600 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का यदि आप बिजनेस कर लेते हो 1 वीक के अंदर अपने सेल्फ आईडी पर तो आपका रैंक होगा डायरेक्टर। 800 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस यदि आप 1 वीक के अंदर कर लेंगे अपने सेल्फ आईडी पर तो आपका रैंक हो जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 1000 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस यदि आप कर लेंगे अपने सेल्फ आईडी पर तो सिल्वर डायरेक्टर आपका रैंक होगा, और ये सारी रैंक आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 1000 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस यदि 4 वीक कंटिन्यू कर लेंगे अपने सेल्फ आईडी पर तो आपका रैंक हो जाएगा गोल्ड डायरेक्टर। उसके बाद आप 2000 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का यदि बिजनेस कर लेते हो अपने सेल्फ आईडी पर 4 वीक कंटिन्यू तो आपका रैंक हो जाएगा रूबी डायरेक्टर। और 3000 कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का यदि आप बिजनेस कर लेंगे 4 वीक कंटिन्यू अपने सेल्फ आईडी पर तो आपका रैंक होगा एमराल्ड डायरेक्टर। और 4000 कॉमन वॉल्यूम का अगर आप बिजनेस कर लेंगे अपने सेल्फ आईडी पर कंटिन्यू 4 वीक तो आपका रैंक हो जाएगा डायमंड डायरेक्टर। इस तरह से आप इस रैंक को भी अचीव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमने दिखाया है GSV, PSV और CVP ये क्या है, इसे हमें समझना होगा। अब यहाँ देखिए आईडी एक्टिवेशन करते समय आपको यहाँ 35 SPV दिख रहा है। एसपीवी का मतलब है सेल्स पॉइंट वैल्यू, जो कि आपने अपनी सेल्फ आईडी को एक्टिव करने के लिए ये यहाँ पर काउंट होगा एसपीवी में। उसके बाद है ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का मतलब है जैसे आपने आईडी एक्टिव कर लिया, आपने लेफ्ट और राइट में भी जो व्यक्ति जुड़े हैं उन्होंने भी 35 SPV से आईडी एक्टिव कर ली, तो जितने भी डायरेक्ट आप लगाएंगे आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डायरेक्ट होंगे आपके स्पॉन्सर, वो जितने जो भी हैं जितने भी हैं वो अपना जो सेल 35 SPV से आईडी एक्टिव करेंगे वो 35 SPV आपके लिए यहां काउंट होंगे ग्रुप सेल्स वॉल्यूम के माध्यम से, उसे कहा जाएगा ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। उसके बाद है पर्सनल सेल्स वॉल्यूम। जैसे आपने 35 SPV से आईडी एक्टिव कर लिया, उसके बाद आपके जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर है उन्होंने भी सेल्फ आईडी अपने 35 SPV से एक्टिव कर ली, उसके बाद उनकी जो नीचे जितने भी आपने एसपीवी आपके होंगे या वो लोग जो जितने भी जिनको भी आपने अपने डायरेक्ट ज्वाइन किया है एसोसिएट बोल के वो ज्वाइन हो गए, उन्होंने सेल्फ आईडी 35 SPV से एक्टिव कर ली, वो हर व्यक्ति जितना भी सेल्फ आईडी के ऊपर परचेस करेगा अपनी सेल्फ आईडी के ऊपर जो परचेस करेगा, जैसे कि हमारे प्लान के अंदर एक मंथली
रिपर्चेस कंडीशन है कि आपको सारे इनकम अगर लेने हैं तो 35 SPV से आपकी सेल्फ आईडी आपको हर महीने एक्टिव करनी है। तो जितने भी लोग आपकी सेल्फ आईडी 35 SPV से एक्टिव करेंगे हर महीने, वो उसे कहाँ जाएगा, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है कॉमन वॉल्यूम पॉइंट। कॉमन वॉल्यूम पॉइंट का मतलब जैसे आप यहाँ जुड़े हो, आपका लेफ्ट टीम है और राइट टीम है, इस टीम के अंदर जितना भी अनलिमिटेड डेप्थ तक जो भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा वो सारा का सारा कॉमन वॉल्यूम पॉइंट के अंदर गिना जाएगा, जिसके ऊपर आपको 20% मैचिंग इनकम मिलने वाला है। इस तरह से ये सारे यहाँ पर नाम दिए हैं, इसको भी आपको समझना है। तो इतना इजीली और बेस्ट इनकम प्लान कंपनी ने हमको दिया, जिसको कंपनसेशन प्लान बोलेंगे। वीकली पे आउट के साथ कंपनी हमें दे रही है मात्र 2 प्रोडक्ट ही ज्वाइनिंग के ऊपर, जो कि 35 SPV का होगा, और उसके साथ साथ लाइफ टाइम दोनों साइड का बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वीकली इनकम लेते समय जब मंथली जो अगर हमें अपना इनकम कंटिन्यू रखना है तो मंथली हमें 1 टाइम 35 SPV रीपर्चेस करना अपनी सेल्फ आईडी पर जरूरी है। उसके साथ साथ आप सारे इनकम यहाँ से ले सकते हो, और बहुत ही बढ़िया प्लान कंपनी ने बनाया, विदाउट कंडीशन प्लान है दोस्तों। और जितना ज़्यादा हम लोगों को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा टीम हमारा होगा, उतना बड़ा रैंक रिकॉग्निशन आपका होगा, मान सम्मान के साथ यहाँ से कंपनी का जितना भी इनकम है, जो भी कंपनी आपको लीडरशिप दे रही है, इलाइट बोनस दे रही है। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप 20 अर्नर में जाना है, आपको इलाइट बोनस भी आपको कंपनी की तरफ से क्वार्टरली लेना है, तो आज ही इस बिजनेस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लीडर्स को यूसाना इंडिया का हिस्सा बनाइए दोस्तों। और इस प्लान के माध्यम से आप और अपने टीम के सपने पूरे कर सकते हैं। इसी के लिए मैं आपको ये बोर्ड पर प्लान बताया। अगर किसी को प्लान समझ में नहीं आया कोई डाउट से, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मैं आपको और भी इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ दोस्तों।